स्वागत है। और अब खबर है यूपी के रायबरेली के छाजलपुर से, जहां पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही मौके से करीब 5,000 लीटर देसी शराब भी जब्त की है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार ये शराब रायबरेली के अलावा आसपास के इलाकों में बेची जा रही थी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर एक लग्जरी का गाड़ी की तलाश ली, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। इसके बाद पुलिस ने शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सुनील सिंह ने इस पर बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर शराब तैयार की जा रही थी, फिलहाल पुलिस की छापेमारी जारी है। थाना मिलेरिया क्षेत्र में जनपद रायबरेली में एक मकान के अहाते में अवैध शराब का कारोबार करते हुए 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से 5,000 लीटर से अधिक शराब बरामद हुई है। काफ़ी भारी संख्या में मस्ती ब्रांड के रैपर होलोग्राम और 5,000 से अधिक संख्या में खाली बोतल। और देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।